आज क्रेडिट होता है वो कोचेस को जाता है, जो कोच उनको सिखाते हैं, जैसे कराटे के कोच है, टाइगर वुड्स के कोच है और दूसरे कोचेस यहाँ पर मौजूद है। मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और मैं बच्चों से खासतौर पर बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अगर तीन चीज अगर आप लोगों के अंदर है तो आप लोग जिंदगी में कामयाब हो। अगर तीन चीज आप लोगों के पास है तो आप लोग अपनी जिंदगी में कामयाब हैं। पहला है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन आपके पास है तो आप कोई भी काम, कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी चीज कर सकते हैं। दूसरी चीज है हार्डवर्क। अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो आप कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे कोई भी फील्ड में हो। और तीसरी चीज मैं खासतौर पर यहाँ पर कहना चाहूंगा सारे बच्चों से, अगर जो बच्चे अपने माँ बाप के फरमाबरदार हैं, जो बच्चे अपने टीचर्स के फरमाबरदार हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ ओबीडियंट है, वो बच्चों से मैं कहना चाहूंगा वो लोग अपनी जिंदगी में जरूर कामयाब होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बारे में कुरान कहता है वदल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ तुम एहसान किया करो। दूसरी जगह कुरान कहता है कि तुम अपने माँ बाप के साथ एहसान किया करो। और बाल बच्चे जो टेंथ में आ जाते हैं, नाइन्थ में आ जाते हैं, अक्सर घरों में देखने में आता है कि नाइन्थ टेंथ में आने के बाद बच्चे अपने माँ बाप से खिड़की से या आवाज से बात करते हैं। मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कुरान इसके बारे में कहता है अपने माँ बाप को तुम एक तक नहीं कहना, अपने माँ बाप को तुम एक तक नहीं कहना। इसलिए जिसके माँ बाप खुश उसका अल्लाह भी खुश, और जिसके माँ बाप अपने औलाद को दुआएं देते हैं उनके बच्चे इस दुनिया में कामयाब। I am director of Madina Public School and I am very thankful to all of you, all the parents and all the children who have performed very well today. Our school, Madina Public School, we focus not only on education but all the extracurricular activities. We have today, we saw beautiful presentations of Taekwondo, Karate and many other events were organized here. So we hope not only our students will get 10 on 10 marks on the board exams of CBSE and SSE, but also we'll produce many medalists, many international level competitors from our school, and who will make Hyderabad proud and who will make our country India proud. Thank you so much on behalf of Mr. K.M. Arifuddin, who is all of you for your cooperation, and for the chief guest of the event, Mr. Amar Kishore Shah Sahab, who is the IPS officer and he's deputy commissioner of the East Zone, has come today for and spared a lot of time here. Mr. Motashim, who has come here, he's a Mr. Universe silver medalist. So we are really thankful to all the guests and the parents who have turned here. Thank you so much. आज बहुत खुशी की बात है कि मदीना पब्लिक स्कूल, जो तालीम के लिए बहुत मशहूर है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए, पिछले 36 ईयर से 100% फर्स्ट क्लास रिजल्ट उनका रहा है। उसके साथ साथ पेरेंट्स का ये तकाजा था कि ऑल वर्क नो प्ले नहीं होना चाहिए, कुछ खेल कूद भी होना चाहिए, तो हमने पिछले साल से कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स इंक्लूड किए हैं। वो आज खुली कुतुब शाह स्टेडियम में बहुत अच्छी तरह से अमल में आया है। पेरेंट्स की बहुत जोश देखने को आता है। मैं मुबारकबाद देती हूँ स्कूल का और सारे टीम वर्क का, HM का, SSC, CBSE दोनों विंग्स की, और उनके तमाम हेल्प करने वाला जो स्टाफ है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पेरेंट्स का खैर मकदम करती हूँ। ये जोश और ये भरोसा कायम रखिए इंशाल्लाह। थैंक यू टू वन एंड ऑल। आई फर्स्ट थैंक द पेरेंट्स for the huge assembly here, and today the first of its type kind where we have conducting these sports events outside our school building. And the school is about 35 years since inception, and this is first time that we have actually getting to all these various activities and conducting it out. We can see the cheer and the glee and the happiness in the minds of the children, and we hope with the parents' cooperation and with the teamwork we may do it even on a thunderous terms for the next year. Thank you.
मोहम्मद इरफान इस्माइल है, मैं मदीना हाई स्कूल में एज अ टाइकोंडो कोच ट्रेनिंग दे रहा हूँ। यह मदीना पब्लिक स्कूल का एनुअल डे एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन हुआ खुली कुतुब शाह स्टेडियम में, बहुत अच्छे से प्रोग्राम सक्सेस हुआ। मैं पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ और हमारे जो चीफ गेस्ट है DCP सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो इतना कीमती वक्त में से भी अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के हमारे पास आए, और हमारे चीफ और एक जो गेस्ट थे हमारे मोतेशम सर का, बाला कृष्णा सर का, सबका शुक्रगुजार हूँ। और मैं मदीना पब्लिक स्कूल के जो करस्पॉन्डेंट हैं उन सब जनों का मैं दिल तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्यों उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे के बच्चों को तैयार कर सकूँ। इंशाल्लाह मैं इस स्कूल के नाम के लिए और जो जितनी भी मेरे से मेहनत हो सकती है मैं मेहनत करूँगा और बच्चों को आगे लेके जाऊँगा।